नगर में लगने वाली रेहड़ी फड़ी वालों के खिलाफ हर 15 दिन के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। आखिर नगर में बार बार इस तरह का अतिक्रमण हटाने की नौबत क्यों आती है? गौरतलब है कि प्रशासन के ढीले रवैये के चलते स्थानीय लोग सहित यह रेहड़ी फड़ी वाले दिन ब दिन अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपना कार्य पूरी चेष्टा और निष्ठा से करना चाहिए ताकि नगर की सफाई व्यवस्था सहित अतिक्रमण जैसी बीमारी से लोगों को बार बार न जूझना पड़े। वही बुधवार को SDM नीलम खजूरिया के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों ने नगर के मुख्य बाजार बाणगंगा मार्ग, उधमपुर मार्ग, रेलवे मार्ग तथा काउंटर नंबर 2 पर रेहड़िया व फड़िया सहित दुकानों के बाहर लगे सामान व विभागीय अधिकारियों ने अपना डंडा चलाया। मौके पर लगी रेहड़िया को जब्त किया तथा इसके साथ ही उन्होंने मौके पर रेहड़ी फड़ी व दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि वह नगर में अतिक्रमण को बढ़ावा न दे। देखिए, यात्रियों के हैवी रश को देखते हुए हमारी जो दुकानदारों ने इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर दी हुई है, उससे बहुत कंजेशन हो गई है और लोगों का जो है आना जाना यात्रियों को बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने एक स्पेशल ड्राइव के तहत बाणगंगा रोड और अपनी जो ये है हॉस्पिटल रोड और मेन मार्केट और साथ में ये रेलवे रोड, ये सारा आज हम कवर कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम यात्रियों को फैसिलिटेट कर सकें। कि सफाई को लेके अगर बात करें, 30 tons ऑफ गार्बेज जो है वो डेली जनरेशन है हमारे यहाँ पे कटरा म्यूनसिपैलिटी में, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से जो है हम इसको पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि 2-3 दिन में हम बड़ी मोबाइल गाड़ियां ला रहे हैं जिनमें जो है काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगी इसमें।